नहीं कटते लम्हे इंतजार के, आंखें बिछाए बैठे हैं रास्ते पे यार के। दिल ने कहा देखें जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के। जन्नत से उतर कर अविनाश के दिल तक पहुंची संभावना। मुकम्मल हुई अविनाश और संभावना की प्रेम कहानी, और दिल्ली शहर में हुआ इनके दिलों का मिलन। लेकिन मिलन से पहले जरा ये तो देख लीजिए कि कैसे दुल्हनिया संभावना ने संवारा अपना सलोना रूप। संभावना ने चुना गोल्डन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन वाला ये खूबसूरत लहंगा, जिसमें उनका रूप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। और इनके लुक में चार चांद लगा रही है इनकी ये खूबसूरत ज्वेलरी, ये स्पेशल मांग टीका और नाक की ये खूबसूरत नथ। मुंबई में मेरे डिजाइनर हैं भक्ति और हितेंद्र, उन्होंने मेरा ये आउटफिट बनाया है, बहुत प्रिटी आउटफिट बनाया है। जो ज्वेलरी है मेंशन करना चाहूंगी स्पेशली, जो ज्वेलरी है वो पूरा पश्चिम ज्वेलर्स ने बनाई है, दिल्ली में है, और आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। भाई दुल्हन तो देख ली, अब जरा दूल्हे का जिक्र भी हो जाए। सूट बूट में दूल्हे मियां अविनाश लग रहे हैं एकदम डैशिंग। भाई लगे भी क्यों ना, आज इनका ही तो दिन था। बहुत सारी रस्में जो मिक्स एंड मैच होने वाली हैं, तो ये पंजाबी और यूपी आइट्स का भी मेल होने वाला है, मजा आने वाला है। भाई लगता है कि शादी का इंतजार मेघ देवता को भी था, तभी तो ऐन बारात आने के बाद ऐसी बारिश हुई कि तूने राजा भी अपनी दुल्हनिया तक पहुँचते पहुँचते लेट हो गए। और वहीं सर से पांव तक सजी धजी दुल्हन संभावना अपने सजना का इंतजार करती रह गयी। अब वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा दिल्ली में बारिश है, तो वो क्या करे। मुझे जितनी बार फोन आया तुझे कहा मैं ये वाला रास्ता चेंज किया तो यहाँ पे जाना है, वहाँ से चेंज किया वहाँ पे जाना है, वहाँ से चेंज किया, तो मुझे लग रहा है कि मैं ना बिना शादी किए ही वहाँ पहुँच जाती हूँ कि तुम रुको मैं आती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है, बट आई एम जोक्स अबाउट, बट देर तो डेफिनेटली आज होगी। भाई देर जरूर आए लेकिन दुरुस्त भी आए, और आखिरकार आ गई वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था। भाई यही वो पल था जिसका दोनों के घर वालों को और संभावना के फैंस को था बेसब्री से इंतजार। और साथ ही संपन्न हुआ संभावना और अविनाश का शुभ विवाह। तो सास बहु और बेटिया की तरफ से संभावना और अविनाश को शादी की लख लख बधाइयां। स्वागत होगी दिल्ली आज तक।